मदरसे में पढ़ता रहा, ट्रक चलाता रहा, पता नहीं कितनी सारी मुश्किलात का सामना करने के बाद अल्लाह ताला ने मेरा हाथ थामा। देखें, मेरे जैसा बंदा जिसने मदरसे में पढ़ा हो, जिसने ट्रक चलाए हो, वो कभी भी नहीं सोच सकता कि मैं महीने का 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख या 2 लाख कमाऊंगा। फिर अल्लाह ताला ने ऐसा कर्म किया कि मुझे एक ऐसा सिस्टम मिल गया जिसकी वजह से आज मैं बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा हूं। किसी ने कहा कि इधर आओ, मैं आपको बताता हूं कि आप पैसे कैसे कमाओगे। मैं उधर चल पड़ा। किसी ने कहा एप्लीकेशन पे पैसा लगाओ, आप महीने का 1 लाख 2 लाख कमाओगे। मैं उधर चल पड़ा। किसी ने कहा कि हमारी एक कंपनी है, कंपनियों में इन्वेस्ट करो, 1.5 लाख 2 लाख महीने का कमाओगे। मैं उधर चल पड़ा। ये सारे के सारे नुकसानात करने के बाद, इसीलिए मैं कहता हूं हर मोड़ पे मिल जाते हैं हम दर्द हजारों, शायद मेरी बस्ती में अदाकार बहुत हैं। अजमल भाई, अगर किसी के साथ 1 मर्तबा 2 मर्तबा या 5 मर्तबा भी स्कैम हुआ है तो मैं कहती हूँ कि वो कोई चीज़ नहीं है। हमने 20-20 दफ़ा भी स्कैम खाया है, हमने स्कैम का सामना किया है, बहुत ज़्यादा ठोकरें खाई हैं। वो ठोकरें खाने के बाद आज मैं पाकिस्तान की बेटी होने के नाते ये वादा करती हूँ, ये दावा करती हूँ कि अगर लड़कों के अलावा 50,000 लड़कियां भी आ जाए तो हमारे पास इतनी गुंजाइश है कि हम उनको वो स्किल सिखाएंगे जिससे महाना वो वाकई में लाखों कमा सकती हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म पे कोई अपनी मार्केटिंग नहीं कर रही, कोई बिजनेस नहीं कर रही। मैं हल्फन ये कहती हूँ कि अभी भी आप लोग आ जाएं तो मैं आपको बिजनेस सिखाने के लिए तैयार हूँ। हम लोग मिलके इंशाल्लाह कामयाब होंगे। मैं पाकिस्तानी होने के नाते, पाकिस्तान का बेटा, मैंने खुद मेहनत की है, ड्राइवरी की है, मजदूरी की है। मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया है, खुद नहीं पढ़ सका लेकिन मैंने अपनी बेटी पर मेहनत की है। आज इस प्लेटफॉर्म पर आके अल्हम्दुलिल्लाह बेटी मेरा सहारा बन गई है। आप भी अपनी बेटियों को पढ़ाएं और उन्हें अपना सहारा बनाएं, ताकि ये बेटों का नहीं, बेटियां भी आपका सहारा बन सकती हैं। आज देख लें मेरी उम्र क्या है, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जैसे बुज़ुर्ग भी यहाँ के सीखते हैं, चलते हैं और अपने बच्चों का बेहतरीन रोज़गार कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। अब मेरी एज का बंदा 1.5-2 लाख रुपये कमा ले तो क्या समझते हैं, मजदूरी में 30,000 या 25,000 से ऊपर नहीं मिलता, लेकिन 1.5 लाख आ जाए तो घर में खुशहाली आएगी ना। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बच्चियों को पढ़ाएं और साथ अपनी बच्चियों को अपना सहारा बनाएं। सेकेंड ईयर के बाद ज़्यादातर फीमेल्स जो होती हैं, जो गर्ल होती हैं, वो क्या करती हैं, अपने पेरेंट्स से एक ही चीज़ का जिक्र करती हैं कि हमने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना है, जबकि वहाँ पर जाके पैसे का बिल्कुल ज़ाया किया जाता है। वहाँ पे आपको पैसे कमाने की टिप एंड ट्रिक्स नहीं बताई जाती। ये जो मोबाइल आप देख रहे हैं ना, ये मोबाइल मिसयूज़ किया जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि इस मोबाइल को यूज़ करके आप लाखों कमाएं, आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ के, आप अपने कॉलेजेस के खर्चे जो हैं वो वालदैन की पॉकेट से नहीं बल्कि आप इस मोबाइल से निकालें। तो आप लोग भी इसको यूज़ करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अजमल भाई, मेरा ये कहना है कि अगर आप दुनिया और आखिरत को संवारना चाहते हैं तो आपको बाहर जाके गैर महरम मर्दों में बैठकर काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप मेरी तरह पर्दे में रहकर घर बैठकर एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। ये शेर मैंने डेडिकेट किया है हाफिज मोहम्मद जबील को। बे क्यों डेडिकेट किया है? इस वजह से डेडिकेट किया है कि मदरसे में पढ़ने वाला हाफिज मोहम्मद जमील मदरसे से फारग तहसील होने के बाद दरबदर की ठोकरें खाता रहा, ट्रक चलाता रहा। ट्रक चलाने वाला, मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा कैसे सोच सकता था, कैसे तसव्वुर भी कर सकता था डॉलर्स कमाने का? 50,000 पे सोच ही अट जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन इस बंदे ने अपनी हिम्मत ना हारी, स्ट्रगल करता रहा। लेकिन इस स्ट्रगल में मिजरेबल स्टोरीज भी हैं। इस बंदे को जिसने कहा आओ हाफसा मैं आपको अमीर बनाता हूं, आपको दौलतमंद बनाता हूं, हाफसा भागे भागे गए, बाद में स्कैम निकला, धोखा हुआ। इनका कहना है कि लोगों के साथ अगर 2 मर्तबा 5 मर्तबा स्कैम हुआ तो मेरे साथ 20-20 मर्तबा भी स्कैम हुआ। तो मेरा इस प्लेटफॉर्म पे आने का मकसद अपनी मार्केटिंग नहीं है, बल्कि दर्द के साथ मैं पाकिस्तानियों की जिंदगी बदलना चाहता हूं और बदल भी रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तालबे इल्म पर, जिस बच्चे और बच्ची के सर पे हाफ साहब ने अपना हाथ रखा, अपनी जिंदगी बदलने के काबिल हो गया। लेकिन हाफ साहब यहां पे मैं पूछना चाहूंगा कि लोग जब आते हैं मसीहा बन के आते हैं, बाद में उनकी शिकायत निकल आ जाती है, कोई ना कोई हिडन इंटरेस्ट रहता है। अब वाकई पैसों वालों के अलावा जिनके पास पैसा नहीं उनको भी सिखाएंगे?
जिनके पास पैसा नहीं होता हम उनको बिल्कुल फ्री सिखाते हैं, उनसे हम कुछ भी चार्ज नहीं करते। जिनके पास पैसा भी होता है हम कहते हैं हमारे पास आके ना सीखें, बल्कि आप ये करें कि बिल्कुल फ्री सीखें हमारे YouTube चैनल से, वही कंटेंट, वही बातें जो हम पेड कोर्सेज के अंदर या आप हमारे पास आकर सीखते हैं वही हम वहां पे फ्री सिखाते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह अजमल भाई मैं मदरसे का तालिब इल्म हूँ, मैं अर्निंग कर रहा हूँ और मैंने ये फ्री ऐलान कर रखा है जब से मैंने ये काम स्टार्ट किया है कि जो मदरसे के तालिब इल्म है उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा, चाहे वो मेरे पास आकर मेरे इदारे में क्यों ना सीखें। और आपके हाफिज भाई का पूरे पाकिस्तान के अंदर ऐलान है, जो मजदूर भाई हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, जो यतीम हैं, जो बेवा औरतें हैं, उन सब के लिए मैं सहारा बनूंगा, मैं बिल्कुल आपको फ्री सिखाऊंगा। हाफिज साहब जज़ाकुमुल्लाह खैरा, आपका बहुत शुक्रिया भाई। 2024 चल रहा है, मादा परस्ती का दौर है, मादा परस्ती के इस दौर में फ्री वाली बात ना लोग हजम नहीं करते, शक की नजरों से देखते हैं कि इस बंदे का कोई हिडन मकसद है, फ्री में सिखाते हैं। मैं यकीन करना चाहता हूँ, बल्कि मैंने कर लिया आपसे, मैंने उनसे बड़े सख्त सवाल किए कि हाफिज साहब आगे नीयत में वाकई कोई उस तरह का फतूर तो नहीं, क्योंकि लोगों के बड़े चेहरे हैं, लोगों के मकासद बड़े बड़े होते हैं, तो फ्री वाली बात ना दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, वाकई फ्री में सिखाएंगे आप? जी जी मैं अजमल भाई बिल्कुल फ्री सिखाऊंगा, एक रुपया चार्ज नहीं करूंगा। लेकिन मैं फ्री सिखा क्यों रहा हूं कि मैंने आपको जिस तरह बताया कि जिस तरह मेरे साथ स्कैम हुआ, किसी और के साथ ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से स्कैम ना हो। मेरे साथ आपको मैंने बताया कि करोड़ों का स्कैम हो चुका है विद प्रूफ, मेरे गांव वाले, मेरे शहर वाले, मेरे दोस्त, मेरे जानने वाले सब जानते हैं कि मैं एक दफा हीरो से जीरो हुआ हूं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरे अलावा किसी के साथ ऐसा काम ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को फ्री सिखाऊंगा। फ्री जिन लोगों को सिखाऊंगा उनका मैंने बता दिया है कि मदरसे के तालिब इल्म हों, मजूर माजूर लोग हों, यतीम हों, बेवा औरतें हों, जिन लोगों का कोई सहारा ना हो मैं उनका सहारा बनूंगा। लेकिन यहाँ पे ना टूटे हुए दिलों को जोड़िएगा, क्योंकि टूटे हुए दिल को जोड़ना भी सदका जारिया है, ऐसी इबादत मैं कहता हूँ। लोग ना बेशुमार सीख चुके हैं लेकिन सीखने के अमल से मायूस हो चुके, भाई बिल्कुल कामयाबी ना मिली, जो जो ख्वाब उनको दिखाए गए पूरे ना हुए। आप वाकई जिस पे हाथ रखेंगे उसे उसके पांव पे खड़ा कर देंगे, आप इतना बड़ा दावा कैसे कर सकते हैं? आपकी टीचिंग आपके पास जो है वो लोगों से डिफरेंट खास क्यों है? अजमल भाई एक चीज आपको भी पता है कि जो इंसान दर बदर की ठोकरें खाता है, मुश्किलात काटता है, उसको बेहतर पता होता है जब वो किसी मंजिल पे या किसी मकाम पे पहुंचता है, उसको पता होता है कि मैंने दूसरे लोगों को कैसे कामयाब करना है, मैंने कैसे इनका मुस्तकबिल संवारना है। इसलिए मेरा दावा है कि मैं जिसके सर पे हाथ रखता हूँ मैं उसे कामयाब बना। चले आजकल हम हर बंदे से मुआजरे के साथ सवाल पूछा करते हैं, जो अर्निंग तरीका डॉलर्स कमाने का आप कहते हैं हर पाकिस्तानी का राइट है, हक है, कमाने की शर्तें कौन सी हैं, कौन से लोग ये कर सकते हैं, कौन से लोग आपकी वीडियो देखें, कौन से नहीं देखें, पहले से जरा क्लियर कर दीजिएगा। मैं ये कहता हूं कि हर बंदा देख सकता है, चाहे वो 10 साल से लेके 80 साल तक, जो बंदा हर बंदे को, जिस बंदे को पैसे की जरूरत है, जो बंदा डॉलर कमाना चाहता है वो मेरी वीडियोस अजमल भाई देख सकता है। चले जी, मायूसी का शिकार, वैसे तो डिसअपॉइंट हमेशा से डिस्करज की जाती है, अलियास मिनल कुफर, मायूसी गुनाह है, जिसके पास आस है उसका बेड़ा पार है, जिसके पास यास है उसका सत्यानाश है, कभी भी उम्मीद का दामन हाथ से ना जाने दे। तो मतलब ये हुआ कि आप सब आप डिफरेंट हैं, आप यूनिक है, जितने लोग इदारों से मायूस हो चुके, कामयाबी नहीं मिली, आप उनको भी कामयाब करवाने का दावा रखते हैं। जी जी अजमल भाई एक बात मैं आपको बताता हूं, अगर आपने किसी मंजिल पे पहुंचना है, आप स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, बार बार उस जगह पे गिरते हैं, आपको हर उस गुर का पता होता है कि मैंने यहाँ पे कैसे संभलना है। इसलिए मेरा दावा है कि जो मेरे पास आएगा मैं उसे कामयाब बनाऊंगा, जो मेरे चैनल पे जाएगा वो जब मेरी वीडियोस देखेगा, ये मेरा दावा है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कोई पेड प्रमोशन वाली बात नहीं है, बल्कि हम दर्द रखते हैं उन लोगों के लिए जो हमारे पाकिस्तानी बहनें, हमारी हमारे भाई हैं, जो ऑनलाइन अर्निंग के नाम पे जिनके साथ फ्रॉड हो रहे हैं, हम चाहते हैं उनके साथ फ्रॉड ना हो, बल्कि वो भी हमारी तरह हमसे ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन साहेब आप पाकिस्तान के छोटे से शहर चकवाल में बैठे हैं, पाकिस्तान के 5 सूबे हैं, 25 करोड़ आबादी में से ना जाने कितने लोग परेशान हैं, वो भी जिंदगी बदलना चाहते हैं, वो भी मायूसी का शिकार हैं, गुर्बत का शिकार हैं, जिंदगी की गुर्बत से थक चुके हैं, आ चुके हैं, उनकी जिंदगी कैसे बदलेंगे आप?
देखें, मैं हर पाकिस्तानी की जिंदगी बदल सकता हूं, जो मेरे पास आ सकता है उसकी भी, जो घर पे बैठा है सिर्फ उसके पास अगर मोबाइल है, पास मोबाइल और इंटरनेट है, मैं उस हर पाकिस्तानी की जिंदगी को बदल सकता हूं। चलें, हम जिंदगी बदलना चाहते हैं, पाकिस्तानी जिंदगी बदलना चाहते हैं। हाफिज मोहम्मद जमील मुझे बताएगा बिस्मिल्ला कहां से पढ़े, ये बिस्मिल्ला उनको भी बताएं जिनकी जेब में पैसे हैं, और उनको भी बताएं जिनके पास पैसे नहीं, कैसे बदले जिंदगी। पहला तरीका मेरे चैनल पे जिसका नाम मोहम्मद जमील है, आप वहां जाके सीखें। आप ऐसे सीखेंगे जिस तरह आप मेरे पास बैठकर सीख रहे हैं। जो लोग 50,000 1.5-1.5 लाख 2-2 लाख फीसेज लेते हैं, वो इस तरह का जो आपको कोर्सेज नहीं सिखाते, इस तरह नहीं सिखाते जिस तरह मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पे सिखाऊंगा। और अजमल भाई, दूसरा तरीका यह है कि जो लोग कहते हैं कि हमारा हाथ थामने वाला कोई नहीं है, बल्कि उंगली पकड़ के एक एक चीज हमें सिखाई जाए, एक एक चीज हमें बताई जाए, अजमल भाई वो हमारे पास आए, हम उनको ऐसे सिखाएंगे कि वो डॉलर कमाने के काबिल हो जाएंगे। चलें, हाफिज मोहम्मद जमील भैया सारा पाकिस्तान को देख रहा है, मुझे बताइएगा क्या क्या सिखाते हैं और क्यों सिखाते हैं। अजमल भाई, एक हमारे पास स्किल है जिसको आप फ्रीलांसिंग के हवाले से आपने नाम सुना होगा, फ्रीलांसिंग का, उसमें हम गेस्ट पोस्टिंग की स्किल सिखाते हैं। ये बेसिक एसईओ का एक पार्ट है, इससे आप बहुत अच्छे डॉलर कमा सकते हैं, पूरी दुनिया के अंदर अपनी स्किल को बेच सकते हैं, पूरी दुनिया के अंदर आप अपनी स्किल को बेच के बहुत अच्छे डॉलर कमा सकते हैं। दूसरी हमारे पास स्किल है ई कॉमर्स की, ई कॉमर्स का आपने नाम सुना होगा, जिस तरह लोग अमेजोन पे, शॉपिफाई पे अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करके उसको बेचते हैं पूरी दुनिया के अंदर, इसी तरह आप हमसे कोर्स करें, आप भी अपनी प्रोडक्ट को पूरी दुनिया के अंदर बेचें। अजमल भाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रिज्क के 10 हिस्से हैं और 9 हिस्से बिजनेस कारोबार यानी तिजारत के अंदर है। हम इसलिए ये तिजारत सिखाते हैं, ये एक तो सुन्नत है और दूसरा ये इसका पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि पूरी दुनिया के अंदर लोग बहुत ज्यादा इससे पैसा कमा रहे हैं। दूसरी हमारे पास स्किल जो है वो उन लोगों के लिए है जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं होता, वो अपनी सर्विसेज देते हैं, जिस तरह एक मैकेनिक 6-6 साल लाख लगाकर, 10-10 साल लगाकर एक मोटरसाइकिलों का मैकेनिक तैयार होता है, उसके बाद दिहाड़ी का 1,000 रुपया कमाता है, लेकिन ये स्किल आप 1-1.5 महीने के अंदर सीख के आप लाखों डॉलर घर बैठ के कमा सकते हैं। चलें, हाफिज मोहम्मद जमील मुझे बताइएगा ये स्किल सीखने के बाद पैसा कमाने की कोई हद है कि बड़ा बेहद कारोबार है, मतलब महीने का 50,000 कमाना, 1 लाख कमाना, या मैक्सिमम का कोई है आइडिया आपके स्टूडेंट कितना कमा लेते हैं? अजमल भाई, ये आप अंदाजा नहीं कर सकते, ये उस बंदे की मेहनत पे डिपेंड करता है, जिसके अंदर लगन होती है, जिसके अंदर जिसका विजन होता है, वो जितना अपने जहन के अंदर रखता है कि मैंने इतना पैसा कमाना है, वो इन प्लेटफॉर्म से उतना ही पैसा कमा सकता है। चलें जी, हम सीखना चाहते हैं, पाकिस्तानी सीखना चाहते हैं, जिंदगी बदलना चाहते हैं, तरीकेकार क्या है? अजमल भाई, पहला तरीका सीखने का ये है कि डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक है, जिसके पास 1 पैनी नहीं है, 1 रुपया नहीं है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाए, वहां पे जाके सीखे। दूसरा तरीका अजमल भाई ये है, हमारी एकेडमी चकवाल के अंदर है, आप पूरे पाकिस्तान के, मैं बहनों और भाइयों को दावत देता हूं, आप वहां पर आएं और हमसे सीखें। हमारा इदारा चकवाल के अंदर है, हमारे इदारे का जो नंबर है वो मैं यहां पे बता देता हूं, 03241571886। इस पे आप लोग रब्ता करके आ सकते हैं, हमारे पास आके भी सीख सकते हैं। अजमल भाई, आपके व्यूअर्स को मैं एक बात बताता चलूं कि जो मेरे पास आकर सीखेगा मैं उसको लाइफ टाइम सपोर्ट करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि 2 महीने की सपोर्ट होगी, 3 महीने की सपोर्ट होगी, बल्कि नहीं, मेरी उसके साथ लाइफ टाइम की सपोर्ट होगी। चलें सर हाफिज, मुझे बताइएगा एंड पे कोई ऐसी बात जो मैं नहीं पूछ पाया, पाकिस्तानी व्यूअर्स को बताना चाहिए, कोई ऐसी बात जो मेरे लिए आपके लिए सदका जारिया बन जाए। अजमल भाई, जो मैं एक बात आपके व्यूवर्स को बताना चाहता हूं कि मैं आपके सामने हूं 1 करोड़ से प्लस नुकसान करने के बाद, मैं इस स्टेज पे हूं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कमा रहा हूं, मेरे पास अपना घर, अपनी गाड़ी, अपना इदारा, सब कुछ है। आप भी इस तरह कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग भी मुझसे ज्यादा कमा सकते हैं, धोखे से, नुकसान से बचकर आप भी ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं।